आजकल जो है तकरीबन 486 रुपए का है। इसी तरह डोपेस्टा पहले 300 कुछ का था, अभी 500 का है। सर टिबलेट पहले 405 रुपए का था, अभी 902 रुपए के हैं। ये मेडिसिन ड्रेप के कुछ अहलकार और कंपनियां की मिलीभगत की वजह से 300% ऊपर हो चुके हैं। मौजूद साफी हजरात वक्त से मुतालबा करते हैं कि ड्रेप में जो मुलवस अरकान है, जो इस गैर कानूनी इजाफे में मुलवस है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आल बलोचिस्तान ने ताजरान इस इजाफे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गरीब आवाम के साथ ये जुल्म है। अंजुमन ताजरान इस जुल्म के खिलाफ हमेशा से सप्लाई हुई दीवार बन चुकी है, और आज का ये धरना और ये एहतजाज भी अंजुमन ताजरान के सरपरस्ती में हो रहे हैं। और जो अदवायात 100% से लेकर 300% तक ऊपर हो चुके हैं, उस अदवायात का मेडिसिन ट्रेडर एसोसिएशन, आल बलोचिस्तान मेडिकल स्टोर एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान पूरे बायकॉट का ऐलान करते हैं कि जब तक ये अदवायात सस्ते नहीं होंगे और अपने रेट पे नहीं आएंगे, उस वक़्त तक ये बायकॉट जारी रहेगा। उसमें कुछ अदवायात हम लोगों ने सामने रखे हुए हैं और इसका बायकॉट आज से शुरू हो चुका है। मौजूद साफियत ये ऐलान करते हैं कि अगर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो आवाम की खातिर हम लोगों ने इसके खिलाफ आज से एक्शन ले लिया है। और आज के बाद ये महंगी अदवायात कभी भी मेडिकल स्टोरों पे नहीं होंगे और न गरीब मरीजों को मिलेंगे। मौजूद साफिया हजरात, इस नारवा इजाफे के खिलाफ हमारा बरादरी भरपूर मुजाहमत करेंगे और इस मसले पर गवर्नमेंट का भी भरपूर साथ देंगे। मौजूद साफिया हजरात, मेडिसिन से वाबस्ता अफराद गरीब मरीजों के लिए हमेशा से रिलीफ देने की कोशिश की, और ये आप सब हजरात को मालूम होगा कि हालात जैसी भी हो, चाहे धमाके था, अफरा तफरी तो जो भी हालात था, मगर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन, मेडिसिन ट्रेडर एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान ने गरीब मरीजों के लिए हर वक्त 24 घंटे सर्विस में आया की। सरकारी हजरात तो 5 बजे छुट्टी हो जाते हैं, मगर मेडिकल स्टोर हजरात और मेडिसिन ट्रेडर एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान सुबह और शाम अवाम की खिदमत के लिए अपने घर बार को छोड़कर अवाम का खिदमत कर रहे हैं, और वो भी बगैर किसी लालच के। ये अदवा जो महंगे हो चुके हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोरों का फायदा है, मगर मेडिकल स्टोर वाले अपने फायदे को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए लड़ रहे हैं, और इस गरीब आवाम के लिए हम लोग सी हद तक भी जा सकते हैं। मौजूद साफी हजरात, इंशाल्लाह मेडिसिन से वाबस्ता बरादरी किसी भी मैन्युफैक्चर के ब्लैकमेलिंग पे नहीं आएंगे और इसके खिलाफ एक सप्लाई दीवार बन के रहेंगे। साफी हजरात, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मसले पर आप लोग आप हमारे साथ दे दें। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का रोल है, ख़ासकर इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साफी हजरात और सोशल मीडिया वाले। इसमें आप लोगों का ताउन हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बात आप लोग गरीब आवाम और हुकूमत आला हकाम को पहुंचा सकते हैं। इस कार खैर में आप हमारे साथ दे दें। जज़ाकअल्लाह। ट्रेड स्टेशन वालों ने इस पर एक्शन लिया, मैं बेहद मशहूर हूँ मेडिकल स्टेशन वालों का और इनका साथियों का, कि उसने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और इस दवाई का बायकॉट कर दिया, जिसने 500 के बजाय 500-400 रुपये इसने महंगा किया है। तो ये बलूचिस्तान की तरफ से, तमाम बलूचिस्तान के मेडिकल स्टेशन वालों ने इसका बायकॉट कर दिया। आज से इसका बायकॉट है तमाम बलूचिस्तान में। ये बहुत अच्छा इकदाम है। मीडिया वालों से हमारा अपील है कि इनको बेहतरीन से बेहतरीन कवरेज किया दी जाए, क्योंकि ये तमाम गरीब आवाम का मसला है, तमाम ताजर बिरादरी का मसला है, तमाम मेडिकल स्टेशन का मसला है। तो मेडिकल वालों ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया और इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं मरकजी अंजमन ताजरान बलूचिस्तान की तरफ से। और मरकजी अंजमन ताजरान बलूचिस्तान जो है वो हर किस्म ताउन के लिए इनके साथ है, और इंशाल्लाह ताला हमेशा इनके साथ दे देंगे। सदर ट्रेड एसोसिएशन आज के इस मेडिसिन ट्रेडर एसोसिएशन आज के इस धरने और एक इसमें अकबर आगा ने बता दिया कि यह हमारा मसला नहीं था, ये 22 करोड़ आवाम का मसला है, और हम हर कदम हर पल आवाम के साथ रहेंगे। इस मैनुफैक्चरर के नारवा इजाफे के खिलाफ
ये तो होना चाहिए था कि हुकूमत इसको रोक लेते, क्योंकि ये कोई प्याज पटा आलू का वो नहीं है कि वो एक मार्केट में बेच दे जिस रेट पे बेचना चाहते हैं। वो तो हर चीज़ प्रॉपर एक बेच चेक करते हैं, ड्रेप वाले चेक करते हैं, मिनिस्ट्री चेक करते हैं, लेकिन उसमें इनके एहलकार मुलवस है। एक चीज़ जो 800-400 में था अभी वो 900 रुपये में बिक रही है, तो ये बात उनके इलम है, लेकिन वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। आपके तवसत से, मीडिया के तवसत से, सोशल मीडिया के तवसत से हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि उन मुलवस अहलकारों को भी इसमें इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तब तक हम अभी टॉप 10 पे जा रहे हैं, जो चीज़ 100% बढ़ी है, आज से हमारा उनके खिलाफ बायकॉट है। हम न उसमें ट्रेड में रखेंगे, न मेडिकल में रखेंगे, और आवाम से भी यही इल्तिजा है कि वो यही चीज़ खुद भी हमसे डिमांड न कर ले। इंशाल्लाह घुटने टिकने पे हम उसको मजबूर कर देंगे, और हम आपके साथ है, हमारा आपका नुमाइंदा एसोसिएशन भरपूर आवाम की रहनमाई करते रहेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, आज का ये एहतजाजी धरना, एहतजाजी तहरीक, एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अदोयात से मुतलिक जो कंपनियां हैं उन्होंने तो पता नहीं, इस तरह हम तो डर रहे थे इमरान खान साहब से कि टैक्सीज आएगा, लेकिन कंपनियों वालों ने तो वो किया कि हम इमरान खान को भी भूल गए। यहाँ पे दवाइयाँ पड़ी हुई है, पुराना कीमत 83 रुपये और नया कीमत 184 रुपये। ये एक दवाई है एरोथ्रोसिन, इसका साबका कीमत 475 रुपये था, कितना था 475 रुपये, आज कंपनियों ने इसका कीमत 950 रुपये रख दिया। अब कौन लेगा ये दवाई? गरीब तो रुल के रह जाएंगे। यहाँ खासकर हमारे इस बदनसीब सूबे में, फिर हमारे इस बदनसीब शहर में कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जो आया जो गया, जिसने जो किया कर लिया। ये कंपनियों वालों ने तो आप यकीन जानो गरीबों का, आवाम का, हमारे मेडिसिन वालों का, हमारे मेडिकल वालों का कमर ही तोड़ दिया। हमारे साथी कहते हैं, ये एक बात आप नोट कर ले, हमारे मेडिकल एसोसिएशन वाले और हमारे मेडिसिन वाले कहते कि जब हम गाहक को, कस्टमर को दवाइयां देते तो कसम से हमें शर्म आती है कि हम कीमत बोलते हुए हमें शर्म आती है कि कल दवाई का कीमत 140 रुपये, आज दवाई का कीमत 490 रुपये, कल एक दवाई की कीमत 83 रुपये, आज 187 रुपये। मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत ने आत आत पे रख कर सब ठीक है वो नारा लाप रही है कि सब ठीक है। कहाँ है हमारा सूबाई वजीर सेहत? खुदारा इन लोगों को कंट्रोल कीजिए, इन कंपनियों वालों को, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, FIR किया जाए। पूरा मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान रजिस्टर्ड, आल बलोचिस्तान मेडिकल स्टोर एसोसिएशन, आल बलोचिस्तान मेडिसन ट्रेडर एसोसिएशन के काबीना तमाम दुकानदार, तमाम ताजर हकूमत वक्त के साथ होंगे। हम हर लम्हा हम उनका साथ देंगे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम सिविल हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं, हम यहाँ एहतजाज पे है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे हुकूमती नुमाइंदे आके हमसे पूछते, हमारे गम में बराबर के शरीक होते। चलो हम ना सही इन गरीबों के मुश्किलात में तो साथ दो, गरीब कहाँ जाएंगे? जब उनका बेटा बीमार होगा, जब उनके बच्चे बीमार होंगे और डॉक्टर साहब दवाई लेकर देगा, जब उसके पास पैसे नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो जाके सीधा चोरी करेगा, वो जाके गाड़ी चोरी करेगा, किसी का घर मारेगा, किसी का जेब मारेगा। तो हमारा हुकूमत से हम देख रहे हैं कि कल इस शहर में क्या होने वाला है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उनके बच्चे तड़प तड़प के जान देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? खुदारा इस मीडिया के तवसुत से,
ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، یہ جو سارے صحافی حضرات بیٹھے ہوئے، یہ سب غریب ہیں، ان کے گھر میں بھی بچے بیمار ہوں گے، یہ خود بیمار ہوگا، تو خدا را کم از کم یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، کوئی تحریک نہیں، یہ فرض العین ہے. اگر ہم اپنے دل میں انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، اگر ہم غریبوں کے لیے ہمدردی رکھتے لیے، تو خدا کے لیے میں آج جوڑتا ہوں تمام صحافی حضرات کے سامنے، الیکٹرانک میڈیا کے سامنے، پرنٹ میڈیا کے سامنے، کہ اس جہاد میں ہمارا ساتھ دیجئے، ورنہ کمپنی والا اگر 100 کمائے گا، میرے بس میں یہ ایک میڈیکل سٹور والے کے بس میں کہ 200 کمائے گا. آج خود میڈیکل سٹور والا چیخے مار رہا ہے، آج میڈیکل سٹور والا چیخ مار رہا ہے، میڈیسن والا چیخے مار رہا ہے کہ خدا را سستے کرو ان دوائیوں کو، باڑھ میں گیا ہمارا کمائی، غریبوں کا تو کچھ بنے، ورنہ غریب ڈاکٹر کو نہیں، اس میڈیکل والے کو بد دعا دے گا. لیکن اصل مجرم کون ہے؟ اصل مجرم وہ ہے جو یہ دوائیاں بناتا ہے، جو کمپنی کا مالک ہے، اور جو حکومتی نمائندہ ان کے ساتھ ہے. یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ڈکیت ہے. خدا را ہمارا ساتھ دو، اس جہاد میں، اس فرض العین میں، کم از کم غریبوں کا، غریب تو تڑپ تڑپ کر نہ مرے، خدا کا واسطہ ہے. بقایا میں تمام صحافی حضرات کا، الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں صحافی حضرات آئے، کیمرامین حضرات آئے، الیکٹرانک میڈیا والے آئے، تو میرے خیال میں ان غریبوں کے دل میں درد ہے کہ اتنے پریس کلب کی بجائے ایک روڈ پہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ آئے. میں ایک بار پھر مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹرڈ، آل بلوچستان میڈیکل سٹور ایسوسیشن، آل بلوچستان میڈیسن ٹریڈر ایسوسیشن کے تمام کابینہ کی جانب سے اور تمام کوئٹہ شہر کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا بےحد مشکور و ممنون ہوں. بقایا پریس کانفرنس کی اختتام کا اعلان کر دے. دوائیں 100% سے لے کر 300% تک مہنگے ہو چکے، اس میں بلڈ پریشر کے بھی ہیں، اینٹی بایوٹک بھی ہے، شوگر کے بھی ہے، گلے کے بھی ہے، تمام ادوائیں 100% سے لے کر 300% تک مہنگے ہو چکے، اور خاص کر ٹی بی کے ادوائیں اور لائف سیونگ ڈرگ، جان بچانے والی ادوائیں تو 100% سے لے کر 300% تک مہنگے ہو چکے ہیں. نہیں، میڈیکل سٹور ہم لوگ بند نہیں کریں گے، اس میں ہم لوگ انجمن تاجران سے مشورہ کریں گے اور میڈیسن ٹریڈر اسوسیشن سے، کیونکہ پہلے سے عوام رول رہے ہیں، اس کے متعلق ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے. مگر ہم لوگ عوام کی ریلیف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم لوگ آرام عوام کے ریلیف دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ وزرالہ اس کے سامنے مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو احتجاج شروع کیا وہ ان میڈیسن کا بائیکاٹ شروع کیا ہوا ہے. جو میڈیسن 100% سے لے کر 300% تک بڑھ چکے ہیں، اس سے آج کے بعد ہم لوگ وہ میڈیکل سٹوروں پہ نہیں رکھیں گے. اس میں ہم لوگ ڈاکٹروں سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ میڈیسن آپ پرسکرائب نہیں کر لیں، کیونکہ وہ میڈیسن کا ہم لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں. جی، ملک بھر میں جس طرح ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 400 سے زائد ادویات کی قیمتوں میں تقریباً 100% اضافہ کیا گیا ہے، اس اضافے کے خلاف پاکستان بھر میں عوامی رد عمل سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن کے کاروبار سے منسلک افراد ہیں ان کا بھی رد عمل آیا ہے. اور آج یہاں سول ہاسپٹل کے سامنے جو میڈیکل سٹور ہے، یہاں پہ آل بلوچستان میڈیکل سٹور ایسوسیشن کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. آئی ایم اب اس وقت ہمارے ایسوسیشن کے صدر موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی، کیا نام ہے آپ کا؟ سید اکبر شاہ. یہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، آپ اس کے خلاف یہاں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، کہ کیا حکومت سے کیا مطالبات ہیں؟ اس کے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس ادویات کو واپس ابھی پرانے ریٹ پہ لے جائے. اور یہ سب سے پہلے پاکستان میں آل بلوچستان میڈیکل ایسوسیشن نے اس مسئلے کو ریس کیا کہ یہ ادویات اتنا مہنگے ہو چکے ہیں، حکومت بھی خواب غفلت میں بیٹھے تھے اور باقی افراد بھی اور ڈریپ بھی. تو اس مسئلے کا ہم لوگوں نے سب سے پہلے اجاگر کیا ہے کہ یہ ادویات سستے ہونے چاہیے، اور اسی کے رد عمل میں ڈریپ نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے کہ ابھی ادویات ابھی واپس اپنے اصلی موقع پہ لا رہے ہیں. مگر اس سے پہلے کہ یہ ادویات جب تک سستے ہوں گے، ہم لوگ اس ادویات کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں.
जी जैसे आपने सुना कि ये एसोसिएशन के सदर ने कहा है कि हमारा जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, जब तक ये अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसला वापस नहीं लिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा और सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे। जी